हेलो फ्रेंड्स, आज की इस ऑर्बिकुलर थेरेपी की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर में किस तरीके से प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है, कौन कौन से पॉइंट का सिलेक्शन किया जाता है और किस तरीके से ओरिजिनल ईयर पर ईयर सीड्स लगाए जाते हैं, इस वीडियो में आज इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रोजन शोल्डर में कौन कौन से पॉइंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। तो आइए पॉइंट्स देखते हैं पहले। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, प्रोटोकॉल किस तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लोकल पॉइंट लेंगे। तो शोल्डर के लिए हमारा पहला पॉइंट आएगा शोल्डर, दूसरा शोल्डर जॉइंट। पहला पॉइंट हमारा शोल्डर और दूसरा पॉइंट आएगा हमारा शोल्डर जॉइंट। अब अगर किसी को लेफ्ट शोल्डर में पेन है, तो हम लेफ्ट के लिए हार्ट पॉइंट को यूज करेंगे, और अगर किसी को राइट शोल्डर में पेन है तो हम लीवर पॉइंट यूज करेंगे। किसी को बोन में जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हम बोन के लिए किडनी पॉइंट यूज करते हैं। दर्द और सूजन को कम करने के लिए हम सेनमैन पॉइंट यूज करते हैं। शोल्डर के साथ में हमारा हेलिक्स पॉइंट आता है। हेलिक्स 3 और शोल्डर जॉइंट के साथ में आता है हेलिक्स 2। साथ में हम इन पॉइंट्स को लेंगे। सेनमैन हमने दर्द और सूजन को कम करने के लिए ले लिया। लीवर और हार्ट हमने लेफ्ट और राइट शोल्डर के लिए ले लिया। किसी को हाथ में सुनपन अगर है, हाथ में ताकत नहीं है, तो हम न्यूरोस्थेनिया पॉइंट को लेंगे। और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम वस्कुलर सबकॉर्टेक्स। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए हमने कौन कौन से पॉइंट लिए? सबसे पहले तो लोकल पॉइंट शोल्डर के, दोनों शोल्डर और शोल्डर जॉइंट। अगर लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम है तो हमने हार्ट पॉइंट लिया। अगर राइट साइड प्रॉब्लम है तो हमने लीवर पॉइंट लिया। अगर बोन में प्रॉब्लम है, जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो हमने साथ में किडनी पॉइंट बोन को नरिश करने के लिए लिया। दर्द और सूजन को कम करने के लिए हमने सेनमैन पॉइंट का यूज किया। अगर हाथ सुन्न हो रहा है तो हमने न्यूरोस्थेनियस पॉइंट साथ में ऐड किया। और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने वस्कुलर सबकॉर्टेक्स पॉइंट लिया। इस तरीके से हमने सारा एक प्रोटोकॉल तैयार किया ताकि प्रॉब्लम हमारी वापस ना आए और जड़ से ठीक हो जाए। अब हम देखते हैं ओरिजिनल ईयर पर किस तरीके से पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे और उन पर किस तरीके से ईयर सीड्स लगाएंगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं ओरिजिनल ईयर पर फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन कौन से पॉइंट्स पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हम सिलेक्ट करेंगे और उन पर ईयर सीड्स किस तरीके से लगाए जाएंगे। सबसे पहले हम लोकल पॉइंट लेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए, शोल्डर का, जो कि हेलिक्स क्रस्ट के ठीक सामने स्काफा में आता है। दूसरा पॉइंट हमारा लंबर के साथ में शोल्डर जॉइंट आता है। अगर किसी को लेफ्ट शोल्डर में प्रॉब्लम है तो हम हार्ट का पॉइंट लेकर चलते हैं, और अगर किसी को राइट शोल्डर में प्रॉब्लम है तो हम लीवर पॉइंट हम लेकर चलते हैं। अगर मैं इसी में लगा कर बता रहा हूँ आपको, अगर किसी को राइट शोल्डर में लेंगे तो हम लीवर पॉइंट लेंगे। सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हम हार्ट चक्रा और वस्कुलर सबकॉर्टेक्स लेते हैं। नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शोल्डर जाम हो गया है, तो हम न्यूरोस्थेनिया पॉइंट लेके चलते हैं। दर्द है, सूजन है, उसको कम करने के लिए हमने सेनमैन पॉइंट लिया था। अब यहाँ पर हम दो हेलिक्स पॉइंट भी साथ में लेंगे, हेलिक्स 3 और हेलिक्स 2 पॉइंट भी हम यहाँ पर साथ में लेंगे। तो इस तरीके से शोल्डर के लिए हम पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। अब इन पॉइंट्स पर हम ईयर सीड्स किस तरीके से लगाएंगे वो। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं इन पॉइंट्स पर कैसे ईयर सीड्स लगाए जाते हैं। ये हमारे ईयर सीड्स हैं और इनको हम इन पॉइंट्स पर पुट करेंगे। सबसे पहले हमारा शोल्डर जॉइंट, शोल्डर पॉइंट, हेलिक्स 3, हेलिक्स 2 सेन में। हार्ट चक्रा लीवर, न्यूरोस्थेनिया
हार्ड पॉइंट और हमारा वस्कुलर सबकॉर्टेक्स। किसी को गैस की वजह से भी शोल्डर में पेन रहता है जैसा कि बताया था, तो उसके लिए हम जीरो पॉइंट जो कि सोलर चक्रा का काम करता है ये पॉइंट साथ में लेंगे। वस्कुलर सबकॉर्टेक्स के बाद डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स आता है, ये पॉइंट भी हम लेंगे। और लीवर को हमने ऑलरेडी पॉइंट को ले लिया, तो साथ में अगर किसी को गैस की वजह से शोल्डर में पेन है तो हम सोलर चक्रा और डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स को भी साथ में पॉइंट को लेके चलें। इस तरीके से प्रोटोकॉल से अगर आप ट्रीटमेंट लगाएंगे तो आपको शोल्डर में इमीडिएटली रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।